और रुक करेंगे अगली खबर का, जहां छतरपुर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने आजादी के बाद बुंदेलखंड को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाया, इन्हें 100 साल तक सत्ता के लिए तरसाइए तभी इनका दिमाग ठिकाने पर आएगा। बुंदेलखंड जल संरक्षण की व्यवस्था में बहुत आगे था, तो फिर आजादी के बाद बुंदेलखंड को बूंद बूंद पानी के लिए किसने तरसाया? किसने तरसाया पानी के लिए? किसने तरसाया? क्या उस कांग्रेस को सत्ता के लिए तरसाएंगे आप? 100 साल तक तरसाइए इनको, 100 साल तक, तब इनका दिमाग ठिकान पे आएगा। बिना पानी तरसना क्या होता है, बिना सत्ता को कैसे तरसना होता है, यह कांग्रेस को पता चलना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा की भरे मंच पर पीठ थपथपाई। जी हां, छतरपुर में सभा के दौरान जब बीडी शर्मा बोल रहे थे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके भाषण पर ताली बजाई और जैसे ही बीडी शर्मा संबोधन खत्म करके पीएम मोदी के पास पहुंचे उन्होंने पूरी गर्मजोशी से उनका हौसला बढ़ाया, जमकर उनकी पीठ भी थपथपाई। बीडी शर्मा के लिए ये मौका बेहद खास रहा क्योंकि उनके ही लोकसभा क्षेत्र में पीएम मोदी ने भरे मंच पर उनकी पीठ थपथपाई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे छतरपुर, उसी दौरान ये तस्वीरें देखने को मिली जहां पर बीडी शर्मा की भरे मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीठ थपथपाई और ये उसी दौरान की तस्वीरें कुछ सामने आई हैं।